दोस्तों बॉलीवुड में कई बेहतरीन फीमेल सिंगर्स हैं, जिनमें से एक कनिका कपूर भी है और कनिका हाईएस्ट पेड सिंगर्स की लिस्ट में भी आती हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे आखिर कैसे लखनऊ से निकलकर एक बेहतरीन सिंगर बनी, और मैं आपको बता दूं हाल ही में इन्होंने दूसरी शादी की है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में कनिका कपूर के लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी के बारे में बताएंगे। अगर आप कनिका कपूर के फैन है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कनिका का रियल नेम कनिका कपूर है और निकनेम कैन है। कनिका का जन्म 21 अगस्त 1978 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ और 2022 के हिसाब से ये 44 साल की हैं। दोस्तों कनिका कपूर के पिता बिजनेसमैन हैं और इनकी माँ एक ब्यूटिक की ओनर है, और साथ ही साथ कनिका के पेरेंट्स ने म्यूजिक भी सीखा है। जब कनिका 12 साल की थी तब से ही कनिका क्लासिकल म्यूजिक सीखने लगी पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा से वाराणसी में। कनिका अपने बचपन में स्कूल के कई कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट लेती रहती थी, और जब कनिका 15 साल की हुई तब कनिका ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम करने लगी, और साथ ही साथ फेमस भजन सिंगर अनूप जलोटा के साथ भी काम किया। कनिका ने लोरेटो कॉन्वेंट लखनऊ से स्कूल की पढ़ाई की और फिर बीए की डिग्री हासिल की, जिसके बाद कनिका ने भटकांडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट लखनऊ से म्यूजिक में मास्टर्स किया और फिर मुंबई चली गई म्यूजिक में अपना करियर बनाने के लिए। अब बात करते हैं कनिका कपूर के करियर के बारे में। दोस्तों मुंबई आने के बाद कनिका ने 2012 में म्यूजिक वीडियो रिलीज किया जिस सॉन्ग का नाम जुगनी जी था, जिसमें डॉक्टर ज्यूस भी फीचर थे, और ये सॉन्ग पाकिस्तानी सूफी सॉन्ग अलिफ अल्लाह का रिमिक्स वर्जन था, जिसे पाकिस्तानी सिंगर आरिफ लोहर और मीशा सफी ने 2010 में कोक स्टूडियो पाकिस्तान के थर्ड सीजन में गाया था। दोस्तों जुगनी जी सॉन्ग रिलीज होने के बाद ये सॉन्ग 2012 का बिगेस्ट सिंगल बन गया और ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड फॉर बेस्ट सिंगल सम्मानित भी हुआ। और जुगनी जी सॉन्ग जब फेमस हुआ तब मीट ब्रॉस अनजान ने कनिका को 2014 में आई फिल्म रागनी एमएमएस 2 के सॉन्ग बेबी डॉल गाने के लिए कहा, और बेबी डॉल सॉन्ग से कनिका ने बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया और ये सॉन्ग लोगों को काफी पसंद आया और मिर्ची म्यूजिक अवार्ड फॉर नंबर 1 सॉन्ग ऑफ द ईयर बन गया। और इसी दौरान कनिका अपने म्यूजिक स्टाइल को लेकर काफी क्रिटिसाइज भी हुई, लेकिन कनिका पीछे नहीं हटी और कई म्यूजिक अवार्ड अपने नाम किए, और साथ ही साथ फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का भी अवार्ड अपने नाम किया। और 2014 में कनिका ने फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के सॉन्ग लवली और कमली गाया और दोनों ही सॉन्ग सुपर हिट हुआ। और इसी साल कनिका ने नॉर्थ अमेरिका में स्लैम द टूर करा, जिस टूर में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण भी थी, और फिर इसी दौरान कनिका एनजीओ की ब्रांड एम्बेसडर बन गई, जिस एनजीओ में चिल्ड्रंस एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता था। और साथ ही साथ कनिका ने एक फैशन ब्रांड लॉन्च किया लखनऊ में, जिस ब्रांड का नाम इन्होंने कनिका कपूर ही रखा, और ये ब्रांड एम्ब्रॉयडरी और टेक्सटाइल डेकोरेशन के रिलेटेड था। और 2015 में कनिका ने फिल्म रॉय के सॉन्ग चिट्टिया कलाइया गाया और इसी साल फिल्म एक पहली लीला के लिए देसी लुक गाया, और दोनों ही सॉन्ग काफी पॉपुलर हुए। दोस्तों कनिका ने बॉलीवुड में कई सॉन्ग गाए हैं। इन्होंने फिल्म हिट स्टोरी 3, दिलवाले, किस किस को प्यार करूं, दो लफ्जों की कहानी, अ फ्लाइंग जेट और रागनी एमएमएस रिटर्न 2 के लिए सॉन्ग गाया है। वहीं मैं आपको बता दूं कनिका ने हिंदी सॉन्ग के अलावा कन्नड़ा और बंगाली सॉन्ग भी गाया है। कनिका ने 2016 में कन्नड़ा फिल्म जैगुआर के लिए सॉन्ग सेल्फी गाया और इसी साल बंगाली फिल्म रोकतो के लिए भी गाया। और 2015 के बाद कनिका काफी बिजी हो गई और लगातार लाइव शोज और कॉन्सर्ट करती रही। दोस्तों साल 2019 में कनिका सिंगिंग रियलिटी शो द वॉइस सीजन 3 में बतौर जज बनकर आई, और 2021 में कनिका ने फिल्म पुष्पा द राइज के लिए सॉन्ग ओ बोलेगा या ओ बोलेगा गाया, और इनकी आवाज में ये सॉन्ग ऑडियंस ने काफी पसंद किया। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कनिका कपूर का कौन सा सॉन्ग आपका फेवरेट सॉन्ग है। चलिए मिलवाते हैं आपको कनिका कपूर की फैमिली से। तो इनके पिता का नाम है राजीव कपूर और इनकी मां का नाम है पूनम कपूर, और इनका एक बड़ा भाई भी है जिनका नाम है शाशा, और ये लंदन में अपनी खुद की कंपनी चलाते हैं। बात करें इनके हस्बैंड के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कनिका कपूर ने दो शादी की है। इन्होंने पहली शादी डॉक्टर राज चंदोक से 1997 में की, लेकिन 2012 में दोनों का डिवोर्स हो गया, और दूसरी शादी कनिका ने 2022 में गौतम हतीरामानी से की, जो कि एक बिजनेसमैन है। और वहीं इनकी दो बेटी है जिनका नाम है आयाना और समारा, और इनका एक बेटा है युवराज, और ये तीनों बच्चे कनिका कपूर के पहले हस्बैंड से है। अब बात करते हैं कनिका कपूर के हाउस के बारे में। दोस्तों कनिका वैसे तो रहने वाली लखनऊ उत्तर प्रदेश की है, लेकिन फिलहाल कनिका लंदन में रहती है, और लंदन में ये एक सुंदर से घर में अपने बच्चों के साथ रहती है, और इसके अलावा इनका मुंबई महाराष्ट्र में एक सुंदर सा अपार्टमेंट भी है, और अक्सर कनिका कपूर यहाँ आती रहती है।
अब बात करते हैं कनिका कपूर के इनकम के बारे में। तो दोस्तों रिपोर्ट की माने तो कनिका एक सॉन्ग करने के लिए 15 से 20 लाख रुपए चार्ज करती है और ये बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड सिंगरों में से आती है। और कनिका कई ब्रांड को इंडोर्स भी करती हैं और ये एक ब्रांड को इंडोर्स करने के लिए 3 करोड़ रुपए लेती हैं। और इसके अलावा कनिका की इनकम लाइव शोज और कॉन्सर्ट से भी होती है और लाइव शोज और कॉन्सर्ट करके कनिका लाखों रुपए कमा लेती है। वहीं बात करें कनिका कपूर के कार कलेक्शन के बारे में तो इनके कार कलेक्शन में पहली कार है मिनी कूपर कन्वर्टिबल एस जिसकी कीमत है 44 लाख रुपए और दूसरी कार इनके पास है ऑडी Q7 जिसकी कीमत है 80 लाख रुपए और तीसरी कार इनके पास है BMW 730LD जिसकी कीमत है 1 करोड़ 30 लाख रुपए। बात करें कनिका कपूर के नेटवर्थ के बारे में तो दोस्तों इनका टोटल नेटवर्थ है 60 करोड़ रुपए। तो ये थी कनिका कपूर की लाइफस्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और ये भी कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस सेलिब्रिटी के बारे में चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।